हेलो मम्मी, कहानी सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी के द्वारा हम सावित्री बाई फूले और फातिमा शेख नाम की दो अनोखी महिलाओं के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। इस कहानी का शीर्षक है दृढ़ता, और इसका शीर्षक दृढ़ता क्यों है ये हमें कहानी के अंत तक समझ आ ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, सावित्री बाई नाम की एक लड़की हुआ करती थी। जब वो सिर्फ 9 साल की थी तो उसकी शादी ज्योतिबा फूले नाम के एक लड़के से करवा दी गई थी। ज्योतिबा इस समय 13 साल के थे। वो समय अलग था। उस समय और दौर में बाल विवाह का प्रचलन था। सावित्री बाई की कहानी समझने के लिए उस समय के समाज की एक और बात समझना जरूरी है कि तब जाति यानी कि कास्ट को लेकर लोगों में भेदभाव भी बहुत था। मिसाल के तौर पर सिर्फ कुछ ही जाति के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति और प्रोत्साहन था। बाकी जाति के लोग या तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते थे या फिर कम पढ़े लिखे होते थे। और ये भी समझ लीजिए कि सिर्फ लड़के ही स्कूल जा सकते थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, लड़कियां स्कूल नहीं जाती थीं। ऐसे में सावित्री के पति ज्योतिबा कक्षा 8 तक पढ़े थे और सावित्री बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें शौक था पढ़ने का। ज्योतिबा छोटी उम्र के थे लेकिन सुलझी सोच वाले थे। वे पढ़ाई लिखाई का महत्व जानते थे और ये भी मानते थे कि हर इंसान को पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो उन्होंने शादी के बाद सावित्री को और अपनी एक बहन सगुना बाई को खुद पढ़ाया। इसके बाद सावित्री बाई पुणे के टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने गईं और वहां से निकलकर उन्होंने अपने क्षेत्र में लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। इस समय तक ज्योतिबा भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। वे जाति प्रथा यानी कि कास्ट सिस्टम के विरोधी, और इसी में सगुना बाई और अन्य कई कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम कर रहे थे। सावित्री बाई, सगुना बाई और ज्योतिबा ने मिलकर इंडिया का पहला गर्ल स्कूल पुणे में शुरू किया था। ये गर्ल स्कूल इसीलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि ये भारतीयों द्वारा ही स्थापित किया गया था। लेकिन उस समय की सामाजिक व्यवस्था में ये कार्य सावित्री बाई के लिए आसान नहीं था। उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि लोगों ने उनके बारे में गलत गलत अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। जब इससे भी सावित्री बाई नहीं रुकी तो स्कूल जाने के रास्ते में लोगों ने उन पर सड़े हुए अंडे, गले हुए टमाटर और गोबर फेंकना चालू कर दिया। क्या आप सह सकेंगे अगर आपके साथ कोई ऐसा करे? लेकिन सावित्री बाई ने इस परेशानी का दृढ़ता से सामना किया। उन्होंने ये तरीका निकाला कि रोज स्कूल जाते समय अपने साथ वो एक और साड़ी ले जाती थी। रास्ते में उनकी साड़ी गंदी तो हो ही जाती थी, तो वो स्कूल पहुंचकर नई साड़ी पहन लेती थी और फिर बच्चों को पढ़ाती थी। एक बार ऐसे ही किसी विरोधी को सावित्री बाई ने थप्पड़ तक मार दिया था जब वो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। ये बात पुणे में एक बड़ी सनसनीखेज खबर बन गई थी। इसके बाद उनके विरोधी रास्ते पर तो उन्हें तंग करना बंद कर दिए थे, पर अब उन सब ने मिलकर ज्योतिबा के पिता को भड़काना शुरू कर दिया कि तुम्हारी बहू जो कर रही है वो गलत है और पाप है, तुम सब के सब नरक में जाओगे, इत्यादि इत्यादि। इन बातों से भड़क कर ज्योतिबा के पिताजी ने ज्योतिबा और सावित्री बाई को अपने घर से निकाल दिया। तो ऐसे में उनकी मदद करने आए ज्योतिबा के एक दोस्त उस्मान शेख।
उस्मान शेख भी कुछ सालों पहले ज्योतिबा से प्रेरित होकर अपनी बहन फातिमा शेख को खुद ही पढ़ाए लिखाए थे। जब सावित्री बाई उनके घर रहने आई तो ये थी शुरुआत सावित्री बाई और फातिमा शेख की दोस्ती की। दोनों ने मिलकर एक टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की, फातिमा शेख ने पहली बार और सावित्री बाई ने दूसरी बार। इसके बाद फातिमा शेख और सावित्री बाई ने मिलकर फातिमा शेख के घर पर एक स्कूल शुरू किया। इस स्कूल में हर जाति के लड़के और लड़कियां पढ़ने आए। इस स्कूल की कोशिश सफल रही और इसके बाद सावित्री बाई ने ज्योतिबा के साथ मिलकर 18 और स्कूलों की स्थापना की। कामकाजी महिलाओं के लिए उन्होंने नाइट स्कूल को भी खोला और गरीब बच्चों के लिए 52 मुफ्त हॉस्टल भी खोले। सावित्री बाई फूले और फातिमा शेख इंडिया की फर्स्ट वुमेन टीचर्स हैं और सावित्री बाई फूले इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रिंसिपल थी। उन दोनों ने शिक्षा के अलावा और भी कई समाज सुधार के काम किए हैं। उस समय समाज में महिलाओं के विरुद्ध अनेक रीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और काम भी किया। आशा करती हूँ सावित्री बाई और फातिमा शेख के जीवन की ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। आइए देखते हैं इस कहानी से हमने क्या सीखा। सावित्री बाई और फातिमा शेख का जन्म 1831 में हुआ था। वो जो दौर था उस दौर में उन दोनों ने अपनी सुलझी हुई सोच, दृढ़ निश्चय और मेहनत से समाज में बदलाव लाया। उन्होंने भारत में लड़कियों को पढ़ाने की नींव रख दी। वो दोनों ही बहुत साधारण परिवार से थीं, लेकिन जहां चाह थी वहां राह थी। मैं इस कहानी से आप सभी को फेमिनिज्म यानी कि नारीवाद की सही मिसाल देना चाहती हूँ। सावित्री बाई और फातिमा शेख के और भी कई योगदान हैं। मैं चाहूंगी कि आप जरूर उन दोनों के बारे में पढ़िए और जानिए कि दृढ़ता से क्या क्या हासिल किया जा सकता है और एक इंसान दृढ़ सोच से अकेले ही कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। थैंक यू इस कहानी को सुनने के लिए। मम्मी कहानी सुनाओ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल जरूर सेलेक्ट करिएगा आगे आने वाली सभी कहानियों का आनंद लेने के लिए। लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। सी यू सून।